बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार अब तक का सबसे ठोस और कारगर कानून ला चुकी है। यूपी विधानसभा में लव जिहाद बिल पास हो चुका है, जिसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। धर्म छिपाकर शादी करने वालों को सख्त सजा मिलेगी। विधानसभा में लव जिहाद संशोधन बिल रखा गया, जो कि पास हो गया है। तो बड़ी खबर है आज की ये लखनऊ से। विधानसभा में कल ही विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया था सरकार की ओर से, और आज वो विधेयक पास हो चुका है, यानी कि अब कानून बनने के राह पर ये विधेयक है। और यहां पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, लव जिहाद जैसे मामलों में अब सजा का दायरा बढ़ा दिया गया है। उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान इस प्रस्ताव में है। और इस वक्त राजीव सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, 2021 में जब धर्म परिवर्तन को लेकर, लव जिहाद को लेकर कानून आया था, तो वो अपने आप में बहुत कड़ा था, और अब इस कानून को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। आज जब ये प्रस्ताव पास हुआ, विधेयक पास हुआ, सर्वसम्मति से पास हुआ, किस तरह से पास हुआ? अब देखिए, यकीनन उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए 2021 में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कानून को पास किया था, 2021 को पास किया था। लेकिन उसके बावजूद कई मामले इस तरह के विभिन्न जिलों में देखने को मिल रहे थे, जिसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन में संशोधन करते हुए उसे और सख्त किया है, जिससे जुड़ा विधेयक कल विधानसभा में रखा गया था और आज उस पर सर्वसम्मत से चर्चा कराई गई, जिसके बाद उसे सर्वसम्मत से पास किया गया है। इस कानून के तहत अब धर्म परिवर्तन करने वालों के खिलाफ जो है उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है, और साथ ही साथ जो जुर्माने की राशि है उसमें भी एक बड़ी बढ़ोतरी की गई है। इतना ही नहीं, अगर मामला नाबालिग से जुड़ा होगा तो ये सजा जो है वो 20 साल तक होगी, उसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता, जिसको लेकर अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में जो इस तरह की घटनाएं सामने आती थी, जो दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन किया जाता था, उन पर अब लगाम कसेगी ये कानून, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश विधानसभा से पास हो चुका है, यानी बन चुका है। तो आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा कि इस कानून के बनने से उत्तर प्रदेश में इस तरह के बड़े मामलों पर रोक लगती हुई नजर आएगी। इतना ही नहीं, आज सजा और कड़ी की गई है। 2021 में जब लव जिहाद को लेकर कानून बना था, उस वक्त मैक्सिमम सजा 10 साल की थी, मैक्सिमम जुर्माना 50,000 का था, अब इसे बढ़ा दिया गया है। अब 20 साल तक की सजा का प्रावधान है, उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है, जुर्माने की राशि भी बढ़ाई गई है, साथ ही अपराध का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। जैसे फंडिंग का एक मसला है कि अगर कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने के मामले में फंडिंग करता है, कोई संस्था या कोई व्यक्ति, चाहे वो विदेशी हो या देश का हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और वो भी अपराध के ही दायरे में आएगा। देखिए, यकीनन जो इस बार योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम 2024 पेश किया है, उसको कई कैटेगरी में बांटा है, यानी कि धर्म परिवर्तन करने वाले और कराने वालों के खिलाफ एक कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें अब तक जो पहले कानून होते थे उसका फायदा उठाकर धर्म परिवर्तन से जुड़े चाहे वो संस्थाएँ हों चाहे वो लोग हों, उसका फायदा उठाकर वो बच जाते थे, लेकिन इस संशोधन में इस बात का प्रावधान किया गया है कि न सिर्फ धर्म परिवर्तन विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन करने वाले, बल्कि जो आने वाली संस्था हो या फिर उनसे जुड़े जो लोग हों, उनके खिलाफ भी कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। उनको भी इस एक्ट के तहत आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है, और जरूरत पड़ने पर जो जुर्माना है उसको भी काफी बढ़ाया गया है। तो कुल मिलाकर उम्मीद है, राजीव धन्यवाद इस वक्त आपको पूरी जानकारी देने के लिए। तो लव जिहाद को लेकर, विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन को लेकर योगी सरकार ने पहले भी सख्त कदम उठाए हैं, अब और ज्यादा कड़ा कर दिया गया है इस मसले को, कानून और ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। आधी आबादी को पूरी ताकत दिलाने के लिए यूपी की योगी सरकार ने जो रास्ता अपनाया है, जो कानून बनाया है, वो लव जिहादियों के लिए काल साबित होगा। हिंदू बेटियों पर बुरी नजर डालने वालों की शामत आने वाली है। हिंदू बेटी को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन करने वालों की सजा उम्र कैद होने वाली है। मानसून सत्र में मौका, लव जिहाद के खिलाफ कानून पर बोलने का था और मोर्चे पर सीएम योगी थे। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ महिला अपराध का मुद्दा उठाया, बल्कि उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी करारा हमला बोला। सीएम योगी ने साफ कर दिया, महिला सुरक्षा को लेकर सरकार बहुत गंभीर है। अब लड़के हैं, गलती कर देते हैं वाली गलती नहीं दोहराई जा सकती।
एंटी रोमियो स्क्वायर का जब हमने गठन किया था, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था, उसने विरोध किया था। और मुझे बोलने में भी कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और ये यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। हर थाने में जो प्रदेश के अंदर 1585 थाने हैं, इन 1585 थानों में महिला हेल्प डेस्क अलग से बना करके एक व्यवस्था बनाई है। और 2020 से हमारी सरकार पूरे प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति के एक अभियान को आगे बढ़ा रही है। मिशन शक्ति के अंतर्गत पिछले 7 वर्ष में हम लोगों ने लगभग 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों की भर्ती की है प्रदेश के पुलिस बल में। दरअसल यूपी सरकार ने विधानसभा में विधेयक पेश किया है, इसमें अपराध का दायरा और सजा दोनों ही बढ़ाने का प्रस्ताव है। अब लव जिहाद पर ताउम्र जेल होगी। धोखा देकर धर्म परिवर्तन करना अपराध है, फंडिंग से धर्म परिवर्तन तो 14 साल की सजा, कम से कम 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। और अपराध के सबसे गंभीर श्रेणी में धर्म परिवर्तन को रखा गया है। अब योगी सरकार के इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि वो चाहते हैं हिंदू मुस्लिम का झगड़ा चलता रहे, वो चाहते हैं लोग विवादों में उलझे रहे। वो यही चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा रहे, इसी तरह की विवादों में उलझे रहें। ये छुआछूत के खिलाफ थे, आपको नहीं पता है, अभी जानकारी हुई है मुझे कि ये लोग छुआछूत के खिलाफ थे और इन्होंने जानबूझ करके कांवड़ यात्रा रोकी। वो हिंदू मुसलमान नहीं था, उससे ज़्यादा था छुआछूत का मामला। ये छुआछूत के लिए भी कानून लाएंगे कि नहीं लाएंगे? ये लोग छुआछूत के लिए भी कानून लाएंगे। यूपी में लव जिहाद कानून पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कानून का दायरा बढ़ गया, उसका स्वागत करना चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि मुद्दा भटकाने के लिए ये कानून लाया गया है। जो हमें संविधान अधिकार देता है, जो आदमी को हर तरह की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, हर चीज के ऊपर तो पाबंदी लगाते हैं। मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा हूँ कि मैं लव जिहाद को बहुत अच्छा मानता हूँ या कोई, क्योंकि सामाजिक ताने बाने को जो चीज़ नुकसान दे वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन कानून का रास्ता है, कानून में ऑलरेडी सारी चीज, सारे प्रोविजंस हैं। जिन चीज़ की आज ज़रूरत है, सबसे पहले ज़रूरत है मोबाइल लिंचिंग की। इस देश के अंदर जो भीड़ तंत्र अनियंत्रित हो रहा है, उस भीड़ तंत्र को काबू करना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके ऊपर कानून की बात करें, क्या बेकार की बातें करें। लव जिहाद वाला जो कानून था उसमें कल संशोधन करके उसका दायरा और सजा का प्रावधान बढ़ाया गया, इन लोगों को हटाना पड़ेगा। सियासत से दूर, यूपी में ना तो लड़कों से गलती से भी अब गलती होगी और ना ही साजिशन धर्म परिवर्तन जैसे अपराध को अंजाम दिया जा सकेगा, क्योंकि योगी सरकार लव जिहादियों के खिलाफ सबसे ठोस और सबसे कारगर कानून लेकर आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।